आज की इस वीडियो में मैं आपको स्प्रे वार्निश के बारे में बताऊंगी, स्प्रे वार्निश को कैसे यूज करते हैं और यूज करते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि इसका यूज कौन सी पेंटिंग के साथ किया जाता है। तो इसका यूज एक्रेलिक पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग के लिए किया जाता है। जब भी आप वार्निश को यूज में लें, उससे पहले उसको एक बार अच्छे से शेक कर लें। स्प्रे करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पेंटिंग डस्ट फ्री होनी चाहिए। स्प्रे करते टाइम आपकी पेंटिंग की जो पोजीशन होनी चाहिए वो हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए। पेंटिंग और स्प्रे के बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। वार्निश को आप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ यूज करें, इससे प्रॉपर फिनिशिंग आती है और अच्छे से कोटिंग होती है। कभी भी आप बैक टू बैक कोटिंग ना करें, पहले वाला अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप दूसरी कोटिंग करना स्टार्ट करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।